हे गाइस, वेलकम बैक टू जिया का जायका। आज हम बनाएंगे चिकन बर्रा कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। हमने लिया है चिकन, जिसे अच्छे से हमने धो लिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, साथ में ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ऐड कर देंगे दही, ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर काफी अच्छा आता है। ऐड कर देंगे धनिया पुदीना का पेस्ट। साथ में डाल देंगे नींबू का रस। और ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर। गरम मसाला पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। अच्छे से हम इसे चिकन में मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। ये देखिए, 2 घंटे बाद। अब हमने लिया है कढ़ाई, इसके अंदर हमने लिया है ऑयल। ऑयल के साथ साथ हम डाल देंगे बटर। आप चाहे तो इसे सिर्फ ऑयल में भी बना लें, पर बटर से इसमें टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसे एक एक करके हम डाल देंगे चिकन को। हम इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। देखिए, इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढकेंगे, ताकि हमारा चिकन गल जाए। ये देखिए, हमारा जो मैरिनेशन का मसाला है, इसका यूज हम आगे करेंगे। 10 से 15 मिनट बाद देखिए, हमारे चिकन का सारा पानी रिलीज हो गया है। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पे भुनेंगे, जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। ये देखिए, हमारे चिकन का पानी सूख गया है और हमारा चिकन बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद और अब हम करेंगे अपने चिकन को ग्रिल। तो देखिए, हमने इस तरीके से इसको गैस पे ग्रिल किया है। दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से ग्रिल करेंगे। देखिए, काफी अच्छा कलर आ रहा है। देखिए, हमने सारे चिकन को ग्रिल कर लिया है। तो अब हम इसे देंगे स्मोकी फ्लेवर। तो हमने लिया है एक कोल, जिसे हमने गर्म कर लिया है। इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे ढक देंगे।
देखिए इसका स्मोक निकलने लगा है, तो अब हम इसे ढक देंगे और इसे इसी तरीके से हम साइड पर रख देंगे। तो अब हम अपने चिकन बरा कबाब की ग्रेवी को बनाएंगे। तो हमने लिया है कढ़ाई, इसके अंदर ऐड कर देंगे घी और बटर, हमने दोनों मिक्स करके डाला है। अब जो हमारे बचे हुए मसाले थे हम इसे इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से भुनेंगे, इसे तब तक भुनेंगे जब तक इसका सारा ऑयल ग्रेवी से अलग ना हो जाए। ये देखिए ऑयल और ग्रेवी अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम, देखिए इसे फ्रेश क्रीम डालते हुए हम मिलाते रहेंगे। यहाँ पे हमारे बर्रा कबाब का ग्रेवी रेडी हो गया है। अब ऐड कर देंगे इसमें चिकन को, इसे 2 मिनट हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद। देखिए अब हमने कर दिया है गैस का फ्लेम बंद, इसके ऊपर से डाल देंगे बटर, हमारा बर्रा कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम करेंगे इसे सर्व, देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। देखिए काफी क्रीमी स्मोकी फ्लेवर वाली रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी चिकन बर्रा कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके ऊपर से बटर डाल के आप सर्व करें नान के साथ, काफ़ी टेस्टी लगता है, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।